नमस्कार, परविंदर के पिटारा में आपका स्वागत है। हम इस समय अमृतसर के जो है कंपनी बाग के दरवाजे पे खड़े हैं। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह जी का इतिहास है जो थोड़ी देर बाद खुलेगा। यहाँ पे दिखाते हैं वॉकिंग का बहुत सिस्टम है। यहाँ पे अलग अलग जूसेस हैं। ये एक लड़का है, ये फ्रूट चाट बना रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसका फ्रूट चाट जो है कैसे बन रहा है, इसमें ये क्या क्या डालते हैं। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते। ये क्या बना रहे हैं? ये स्प्राउट सैलेड है हमारा। अच्छा, क्या क्या इसमें डाला है? इसमें ये अंकुरित दालें होती हैं जिसमें हाई प्रोटीन और फाइबर होता है। अच्छा। उसके साथ में आप देख सकते हैं बिल्कुल ताजा कटा सारा फ्रूट डालते हैं हम। हाँ। फ्रूट और वेजिटेबल्स पता ही ना कौन कौन सा फ्रूट है। वो तो स्प्राउट हो गया, सेब हो गया, पाइनएप्पल है, पपीता है, खीरा है, पनीर है, टमाटर, प्याज और अनारदाना, बीटरूट, चुकंदर और लहसुन डालते हैं। कोलेस्ट्रॉल की जिसकी जिसको पसंद है उसको और डालते वो हैं। ये वाटरमेलन और बनाना वगैरह कुछ चीजें और अपना मसाला और नींबू। अच्छा, तो मसाला नींबू। तो ये आप कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हमें 2 साल हो गए, बाकी हम काम कर रहे हैं 7 साल हो गए हमको, 5 साल यूपी। कहाँ के हैं आप? बिहार के? कानपुर से। अरे वाह, मेरे पड़ोसी, तो वेरी गुड। ये कितने का आप देते हैं? एक अलग अलग रेट का स्टार्ट होता है। हाँ। फ्रूट चाट हम 50 की देते हैं। हाँ। और ये भी 50 से जो पनीर और ड्राई फ्रूट वगैरह एक्स्ट्रा डलवाता है। हाँ। उसके लिए 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज। अच्छा, और जो मतलब जैसे सपोज पनीर है आपका, अगर मुझे फ्रेश नहीं लग रहा है, मेरा नहीं खाने की इच्छा है, टमाटर हाँ। मुझे नहीं खाना, जुकाम है, प्याज नहीं खाना, तो उसका फिर किस हिसाब से पैसा लेते हैं? जिस हिसाब से चीज डलवाएंगे उस हिसाब से कम ज्यादा कर लेते हैं। बाकी जो खाली लौटने लगे जैसे, अब जैसे ये ड्राई फ्रूट वाला है, ये आपको कितने का चार्ज कर रहे हो? ये 70 का है। 70 का। चीजें वगैरह नहीं डलवाते जो, तो उनके लिए फिर ये जो मर्जी देते, किसी को खाली लौटने नहीं देते, खिला अच्छा, के बेचते, खिला के बेचते। यूपी वाले हो ना, पकड़ गए। अच्छा, ये एक चीज बताओ, कितने बजे से कितने बजे तक खड़े रहते हो? मैम हम सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7:30-8 बजे तक, मतलब 12-13 घंटे। सारा दिन चलता है? सारा दिन चलता है। तो ये ज्यादा वॉक करने वाले आते हैं या कैसे? ये सारे लोग, क्योंकि जेन्युइन डाइट है, मतलब नेचुरल पूरी नहीं। यहाँ पे पब्लिक कैसी आती है, मैं ये पूछ रही हूँ। यहाँ की पब्लिक जो है, इसमें 80-90% एम्प्लॉय वगैरह आते, समझदार पढ़े लिखे लोग आते, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती बेचने। नहीं नहीं, जैसे सुबह में देख रही वॉक का माहौल है, टहलने का माहौल है, टहलने वाले ज्यादा आते हैं? हाँ, इस वक्त तो सैर करने वाले ही आते हैं। अच्छा, और इधर आसपास ऑफिस है? ये सारा लॉरेंस रोड वगैरह ऑफिस का है। लॉरेंस रोड पे जी, पहले सुबह से लेके 4 बजे से लेके 10 बजे तक सैर करने वाले आते हैं, उसके बाद ऑफिस वाले एम्प्लॉय चालू हो जाते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ खड़े होते कुछ टैक्स वगैरह सरकार को देते हैं, पुलिस? नहीं नहीं, सरकार का कोई टैक्स नहीं, सरकार पुलिस तो खड़ा करने के लिए यहाँ कुछ तो पैसा लेती होगी? नहीं, कुछ भी नहीं। नगर महापालिका का कुछ तो ऐसा होगा कि ये ठेला लगाया है तो कुछ ऐसा पैसा? जी नहीं, ऐसा अभी तक कोई सामने नहीं आया। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आपका संसारिक पढ़ाई कहाँ हुई है? यूपी में ही हुई, लखनऊ में हुई है, कानपुर में हुई। तो यहाँ पे इधर पंजाब आने का क्या मतलब सीन बना आपका? ये एक भाई साहब है, वो कानपुर में बिजनेस करते हैं अपना, यही चीज का, टू अमृतसर, वो गोल्ड का काम है उनका, सोने का। अच्छा, तो उनसे मुलाकात हुई, वो हेल्थ कॉन्शियस है बड़े, तो बोले हमारे शहर में कोई हेल्दी आइटम ज्यादा वैसे नहीं है, खाने पीने का। सोना वोना तो नहीं आप डालते किसी? लेकिन सोने से कम नहीं है, सोने से कम नेचुरल है। अच्छा, कोई उसमें आप आने वाले यंग बच्चों को क्या कहोगे जो पिज्जा बर्गर खाते हैं, उनके लिए क्या कहोगे? यही कह सकते हैं कि मतलब सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। पैसा आया चला गया, ये तो आई गई चीजें हैं। अच्छा, बाकी सेहत आप का तम्बाकू वगैरह का सेवन करते हैं क्या? जी नहीं, तम्बाकू वगैरह का नहीं करते, करते थे लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा छूट गया। छूट गया क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ पे लोग बहुत कम पसंद करते हैं। गुरु हमारे यूपी में तो एक वो बन गया कि छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, क्योंकि आप दांत बता रहे हैं। हम भी करते थे लेकिन यहाँ आने के बाद लोग हमारे पास आते नहीं, सौदा हमारा नहीं, ये मैंने बंद नहीं कर दिया। अच्छा, तो आपके साथ में किसी हेल्पर की जरूरत लग रही है? हेल्पर क्या, मेरा भाई है। अच्छा, ये है। मिलके काम क्या नाम है बेटा आपका? नमस्ते। नाम है, नमस्ते। क्या नाम है बेटा आपका? सतीश। सतीश, सतीश भी कानपुर का है? कितना पढ़ाई की है? हम तो मैट्रिक 8वीं तक। अच्छा, मन लग रहा है काम पे? अच्छा, तो इसको पैसा वैसा देते हो कि फोकट में भाई है? तो फोकट में नहीं है, देते हैं खर्चा पानी तो पड़ता ही। हाँ, अच्छा ठीक है। और आप मतलब ये कहते हैं यूथ को कि अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, हेल्दी खाएं, भले अच्छा कम खाएं, फास्ट फूड से बचें। अगर अच्छा अगर खा रहे हैं तो अच्छा, 4 दिन खाएं, 3 दिन। सबसे कम दाम का जो है कितने का है?
सबसे कम दाम का हमारे पास 30 रुपए का, 30 रुपए का। उसमें क्या क्या देते हैं? उसमें कुछ नहीं, ये मतलब स्प्राउट देते हैं, प्याज टमाटर डाल के, मतलब अच्छा केवल प्रोटीन दे सकते हैं उनको। अच्छा, और हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो ये आपने कहीं स्टडी की है कि आपको कैसे पता किसमें प्रोटीन है किसमें हाई फाइबर है? ये आपने पढ़ाई की है? पढ़ाई तो की है लेकिन इसके तजुर्बे फसल नहीं, बाकी यूट्यूब वगैरह आजकल लेके लोग बताते हैं खुद ही। चलिए मैं आपका पूरा अच्छा ये जगह का जरा नाम बता दीजिए कहाँ पे है जल्दी से। ये मैम कंपनी गार्डन है, कंपनी बाग कहते हैं इसको। हाँ। ये माल रोड में पड़ता है, ये कम अमृतसर के माल रोड। हाँ। का मेन गेट है, मेन गेट है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। तो ये बच्चे का माल रोड बोलता है हेल्दी खाओ। तो सुबह का माहौल है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। टाटा।